हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। मेंस 100 का ये मैच सदर्न ब्रेव बनाम है बर्मिंघम फीनिक्स, जो कि होने वाला है आज रात में 11 बजे से। सदर्न ब्रेव अपना पिछला गेम वन साइडेड विन के बाद आ रहा है अगेंस्ट वेल्श फायर, 9 विकेट से जीते थे। इसके साथ 5 गेम खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 गेम इनका वॉशआउट रहा है। जबकि बर्मिंघम फीनिक्स इस टूर्नामेंट का अपना पहला जीत करके आ रही है पिछले गेम में, जब इन्होंने हराया था ओविल को 41 रन से। 5 गेम खेले हैं, 1 ही जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 गेम वॉशआउट हुई है। जैसा टेबल है दोस्तों, काफ़ी टीम्स करीबी में हैं, तो ये मत मान लेना कि कोई टीम ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस है। नहीं, सब टीम्स 1 या 2 पॉइंट के अंतर में है और ये काफ़ी एक्साइटिंग लास्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट होने वाला है। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की। तो सदर्न ब्रेव की जो प्लेइंग 11 है, वहां पर फिन एलन, डेवॉन कॉनवे ओपन करेंगे, ड्यूप्लॉयर रहेंगे नंबर 3 पर, फॉर पर वेदरली, रेहान अहमद, टिम डेविड, जेम्स फुलर, जॉर्ज गार्डन और क्रेग ओवरटन। इन दोनों ने पिछले गेम में तबाही मचाई थी अपनी बॉलिंग से। इनके बाद फिनिश करेंगे मैथ्यू फिशर एंड टिमल मिल्स। बर्मिंघम फीनिक्स की बात करें तो क्रिस वोक्स की अच्छा खासा इंक्लूजन हुआ है इनकी टीम में और टीम काफ़ी सही लग रही है इनकी। मोइन अली कप्तानी करते हैं और इनके पास जाने माने ऑलराउंडर्स हैं लाइक लियाम लिविंगस्टोन, डैन मूजली भी हैं और इनका पेस अटैक वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है। क्रिस वोक्स, एडम मिल और केन रिचर्डसन। बात कर लेते हैं वेन्यू की। द रोज बॉल साउथैम्पटन में ये मैच होने वाला है और पिछले 10 T20 गेम्स यहाँ पर जो हुए हैं, 4 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और 6 बार टीम यहाँ पर चेस करते हुए जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 151 का। पिछला गेम भी जो हुआ था इस वेन्यू पर, वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 200 के ऊपर रन बना गई। पेस वाली स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स, और पिछली गेम जो यहाँ पर हुई थी वहाँ पर भी 8 विकेट गिरे थे, 5 मिले थे पेसर्स को, 2 मिले थे स्पिनर्स को और 1 रन आउट हुआ था। बात कर लेते हैं अब इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की ऑफ दी 100 2023। तो बर्मिंघम फीनिक्स के लिए लीडिंग रन गेटर बन चुके हैं जेमी स्मिथ, 4 इनिंग में है 99 रन इनके पास जिसमें 150 शामिल है। बेन डकेट 4 इनिंग में 92 और लिविंगस्टोन के हैं 3 इनिंग में 58। मोइन अली ने लिए हैं 3 इनिंग में 51 रन्स और विल स्मिथ के हैं 4 इनिंग में 45। बात करें इनके बॉलर्स की तो बेनी होवेल हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 इनिंग में 6 विकेट। एडम मिल के हैं 3 इनिंग में 4 विकेट और केन रिचर्डसन के हैं 3 इनिंग में 4 विकेट। क्रिस वोक्स अपना पहला गेम खेले हैं पिछला वाला, जहां पर 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। इनके अलावा लिविंगस्टोन, मोइन अली, शदाब खान, टॉम हेन सब ने 2-2 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, बट विकेट मिले हैं इनको केवल 1। बात करें दोस्तों सदर्न ब्रेव के बैटर्स की तो फिन एलन हैज बीन लीडिंग द चार्ज फॉर देम, 5 इनिंग में 103 रन है। क्रिस जॉर्डन सेकेंड हाइएस्ट हैं 2 इनिंग में 92 रन के साथ, डिप्लॉय के हैं 4 इनिंग में 92 और जेम्स विंस के हैं 4 इनिंग में 73। डेवॉन कॉनवे क्लिक नहीं करे अब तक इतना, 5 इनिंग में 70 रन ही है इनके नाम, जबकि टिम डेविड बना चुके हैं 4 इनिंग में 48। इनके बॉलर्स की बात करें तो टिमल मिल्स ने लिए हैं 4 इनिंग में 8 विकेट, क्रेग ओवरटन के नाम है 4 इनिंग में 6, जॉर्ज गार्डन के नाम है 4 इनिंग में 5 विकेट और रेहान अहमद ने लिए हैं 4 इनिंग में 3 विकेट। तो बात करते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स की, तो बर्मिंघम फीनिक्स से नंबर 1 पर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन। अगर आप देखो इनका रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट का, तो पिछले गेम में 1 सेट ऑफ बॉलिंग करी थी, 1 विकेट इनके नाम हुआ था, उसके पहले वाले गेम में भी केवल 1 सेट ही करा था। कुल मिलाकर रन तो ज़्यादा बना नहीं पाए हैं, ही हैज़ गॉट ओनली 58 रन इन द 3 इनिंग जो इन्होंने बैटिंग करी है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे इनका तो 3 इनिंग में 135 रन है इनके अगेंस्ट द सदर्न ब्रेव, एवरेज 67.5 का जिसमें 150 शामिल है। सेकेंड टॉपिक बनते हैं बेनी हावेल, जिन्होंने इस वेन्यू पर लिए हैं 9 इनिंग में 8 विकेट और इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी इनके नाम है 6 विकेट इन द 3 इनिंग्स दैट ही हैज बोल्ड इन और इनके लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। थर्ड टॉपिक बनते हैं मोइन अली, और इनका अगर आप रिकॉर्ड देखो इस टूर्नामेंट का तो बैटिंग के थ्रू पिछले गेम में बनाए थे 33, वो टोटल मिला के इनके हो चुके हैं 51 रन। बैटिंग ये कर रहे हैं 3-4-5 के स्लॉट पर, बॉलिंग भी कुछ कुछ कर रहे हैं। लास्ट दोनों गेम से अगर आप देखो, पिछले गेम में बॉलिंग किए थे 3 सेट और उसके पहले वाली गेम में अगेंस्ट द वेल्श फायर ने बॉलिंग करी थी 4 पूरे सेट, जहां पर 1 विकेट इनको मिला था। फाइनल टॉपिक बनते हैं एडम मिल, जिनका इस वेन्यू का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, 3 इनिंग में लिए इन्होंने 6 विकेट यहां पर। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 इनिंग में 5 विकेट हैं और एडम मिल भी यहां पर 3 इनिंग में खेले हैं। पहली गेम में 2 विकेट, फिर विकेटलेस रहे थे अगेंस्ट वेल्श, और पिछले गेम में अगेंस्ट दी ओवल इनविंसिबल्स फिर से इन्होंने लिए हैं 2 विकेट। बात करते हैं दोस्तों अब सदर्न ब्रेव की टॉप पिक्स की। यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं डेवॉन कॉनवे। अगर आप देखो दोस्तों, कॉनवे का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में इतना बढ़िया नहीं रहा है, पर पिछले गेम में फाइनली 35 की पारी खेली, जिसके बाद इन्होंने अपना पिछला हाईएस्ट स्कोर 16 का था इस टूर्नामेंट का, इस साल का, उसको ब्रीच किया है। अच्छे खासे बैटर हैं, विकेट कीपिंग के थ्रू भी आपको पॉइंट दे सकते हैं और एक तगड़ी पिक बनेगी। सेकेंड टॉपिक बनते हैं जॉर्ज गार्डन, जिन्होंने पिछले गेम में तबाही मचाई थी, 3 विकेट चटकाए थे, 15 बॉल डाली, 9 डॉट बॉल, 8 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। थर्ड टॉपिक बनते हैं यहाँ से दोस्तों क्रेग ओवरटन, जिन्होंने इस वेन्यू पर 6 इनिंग में लिए हैं 10 विकेट। पिछले गेम में भी अगर आप देखो तो ओवरटन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी, 2 विकेट चटकाए थे, उसके पहले विकेटलेस गए थे, बट उसके पहले जो 2 गेम खेले थे सब में 2-2 विकेट चटकाए।
इस टूर्नामेंट में अब इनके नाम है 6 विकेट इन 4 इनिंग्स। फाइनल टॉपिक बनता है टिमिल मिल्स, जिन्होंने इस पिछले गेम में लिए थे 4 विकेट और उसके पहले जो 3 गेम खेले थे वहां पर भी इनके नाम हुए थे 4 विकेट। तो कुल मिलाकर 4 इनिंग में 8 विकेट है एंड वन ऑफ द टॉप पिक्स बनते हैं। और इस वेन्यू का भी इनका रिकॉर्ड देखो तो ऑलरेडी 11 इनिंग में इनके नाम है 10 विकेट। बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की, तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे शदाब खान, क्रिस वोक्स एंड केन रिचर्डसन को। तीनों प्लेयर्स हैं फ्रॉम बर्मिंगम फीनिक्स। शदाब खान की अगर हम बात करें तो क्लिक नहीं करें, उम्मीद करते हैं कि इस वेन्यू पर शायद इनको मौका फिर से मिलेगा। अब तक 2 इनिंग में बोलिंग करी है, विकेट मिले हैं केवल 1, बैटिंग के थ्रू भी कुछ इंपैक्ट नहीं दे पाए हैं। शायद लोग इनकी तरफ ना देखें पर आपके लिए अच्छा खासा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। सेकेंड डिफरेंशियल पिक यहाँ पे बनेंगे दोस्तों क्रिस वोक्स, जिन्होंने पिछला गेम अपना पहला खेला था, 20 गेंदें डाली थी यहाँ पर, 21 रन कंसीड करके 1 विकेट चटकाया था। अच्छे खासे प्लेयर हैं, बैटिंग के थ्रू भी कुछ वैल्यू दे सकते हैं और इसीलिए हम इनको कंसीडर करेंगे एज अ डिफरेंशियल। फाइनल डिफरेंशियल पिक बनते हैं केन रिचर्डसन। अगर आप देखो पिछले गेम में लेकर आ रहे हैं 4 फॉर, उसके पहले दोनों इनिंग्स में विकेटलेस गए थे, 1 इनिंग में डाले थे 5 गेंद केवल, उसके पहले डाले थे 20 गेंद। अगर आप इस वेन्यू का रिकॉर्डिंग का देखो तो 6 इनिंग में इनके ऑलरेडी यहाँ पर 7 विकेट्स हैं। बात करें सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे डेवॉन कॉनवे, मोइन अली एंड टिमिल मिल्स। डेवॉन कॉनवे एक अच्छे खासे बैटर है, रन बनाते हैं, अभी तक क्लिक नहीं करें इस फॉर्मेट में इस सीजन, बट हम उम्मीद करते हैं कि ही विल सून टर्न द टेबल्स। सेकंड सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बनते हैं मोइन अली, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू दे सकते हैं। और फाइनली टिमिल मिल्स, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो पिछले गेम में भी 4 फॉर लेकर आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे तो ही इज ऑलरेडी गॉट 8 विकेट्स और इस टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं, 4 इनिंग में 8 विकेट चटका चुके हैं। डिफेंसिव कैप्टनशिप की बात करें तो यहाँ पर हम लियाम लिविंगस्टन को रेकमेंड करेंगे, अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू दे सकते हैं और हेड टू हेड रिकॉर्डिंग के फेवर में है, 3 इनिंग में 135 रन, एवरेज 67.5 का। दोस्तों बात कर लेते हैं अब बेस टीम की, तो आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने बैक करा है फिलहाल डेवॉन कॉनवे को। इनके अलावा जेमी स्मिथ एक एक्साइटिंग ऑप्शन है, पिछले गेम में भी 60 मारकर आ रहे हैं और एक अच्छा खासा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में हमने रखा हुआ है लिविंगस्टोन और जेम्स विंस इन दोनों को। इनके अलावा लुइस डुप्लॉय या बेन डकेट अच्छे दो ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। ऑलराउंडर्स से अपने पास है हविल, मोइन अली और गार्डन। शदाब खान एक बढ़िया डिफेंशियल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अलॉन्ग विद डैन मूजली, जो कि आप जीएल में पक्का ट्राई कर सकते हो। बोलिंग सेक्शन में रखा हुआ है क्रेग ओवरटन को, फॉलोड बाय टिमिल मिल्स एंड एडम मिल। हमारे हिसाब से केन रिचर्डसन और क्रिस वोक्स अच्छे खासे डिफेंशियल हो सकते हैं। हम मोस्टली केन रिचर्डसन के साथ जाएंगे एज आर 11th पिक, बिकॉज एक 10th पिक जो है वो एक बैटर ही पिक करना होगा। जिन्हें थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो वो रेहान अहमद की तरफ भी जा सकते हैं। जैसा हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, ये हमारी बेस टीम थी, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर अलॉन्ग विद ऑल द वेन्यू रिकॉर्ड्स एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स। आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी अलॉन्ग विद सम इनसाइट्स और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलेगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।